की? क्यों भाई, लखनऊ वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपने आ रहे हैं उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर मेरे साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री दिनेश शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम कर रही है, ऐसे यूपी भाजपा के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, यहाँ की स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी श्री मुकुल गोयल जी, उत्तर प्रदेश के अपर सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज यहां पर जो इंस्टीट्यूट बनने जा रही है जिसका पूरा इसका मार्गदर्शन, उसकी तकनीकी सहायता और इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे उनको फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के साथ संबंध किया गया है, इसके कुलपति डॉक्टर जे एम व्यास जी और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोरोना काल के कारण बहुत लंबे समय से मैं उत्तर प्रदेश आया नहीं हूं, आज बहुत लंबे समय के उत्तर प्रदेश की भूमि पर आकर आप सब से मिलकर हृदय में अपार हर्ष की और उत्साह की भावना होती। आज लोकमान्य तिलक उनकी पुण्यतिथि भी है, आज ही के दिन तिलक महाराज ने अपना देह छोड़ा था। आजादी के आंदोलन में तिलक महाराज के योगदान को ये देश, देश की जनता, देश का इतिहास और आने वाली कई पीढ़ियां भुला नहीं सकती। तिलक महाराज ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, सबसे पहले कहा था, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वो नारे ने उस जमाने में अंग्रेजी शासन की नींव हिला कर रख दी थी। और तिलक महाराज ने उनके समकालीन लाल बाल पाल के ये तीनों विभूतियों ने पूरे भारत में जो आंदोलन खड़ा किया, जिसकी नींव पर आज हमारा देश स्वतंत्र बनकर दुनिया के सबसे विकसित देशों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आज तिलक महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनके सिद्धांत और उनकी देशभक्ति का जज्बा आने वाली पीढ़ियां ग्रहण कर देश को आगे बढ़ाती जाए। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं 2013 से 2019 तक, 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है, चाहे पश्चिम के अंदर
महंगाई से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हों, चाहे भूमाफिया गरीबी को, गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हों, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हों, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। और उसी का परिणाम है कि 11,00,000 करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी, आज 4 ही साल में 11,00,000 करोड़ से बढ़कर 22,00,000 करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और मित्रों, कोविड के दोनों लहरों में उत्तर प्रदेश शासन ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। यहां की आबादी, यहां की जनसंख्या, गांव में फैला हुआ प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसके अंदर बारिश में परंपरा से मिली लचर स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको चुस्त करना, दुरुस्त करना और लोगों की सुरक्षा करना, आज वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले है, बेड बनाने भी सबसे आगे हैं, टेस्टिंग में सबसे आगे हैं
और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा देने में भी आज आगे हैं। मित्रों, हर क्षेत्र के अंदर ये जो प्रगति हुई मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से संवेदना के साथ जनहित का कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। मैं मानता हूं कि इसी परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शासन करने का मौका दिया। और हमने वादा किया था कि शासन कोई एक जाति के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन एक परिवार के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन चंद बिल्डरों और धनिकों के लिए नहीं होगा, ये शासन सबसे गरीब व्यक्ति के लिए होगा। और आज मैं कह सकता हूं 4 साल के बाद कि हम इस दिशा में काफी आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं यहां पर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी करियर करेंगे, बनाएंगे, अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे। मोदी जी ने गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, तब विश्व में अपने तरीके की सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था, जो गांधीनगर में बनी थी। मेरा सौभाग्य था कि उस वक्त भी मैं गृह मंत्री था, और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2019 में, उन्होंने राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, जो गांधीनगर की यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय फलक पर करने का काम किया। आज इसके साथ ही संबंध उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस यहां शुरू होने जा रहा है, और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा। और भारत सरकार ने यहां पर डीएनए केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है, जो डीएनए के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। यहां लगभग 150 छात्र शुरुआत में हर साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे, और 350 से ज्यादा फैकल्टी भी होंगे। एक प्रकार से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर शोध, अनुसंधान और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तीनों को समाहित करने वाला इंस्टीट्यूट बनेगा। यहां पर फॉरेंसिक विज्ञान, बिहेवियर साइंस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का एक रिसोर्स सेंटर भी अपने आप में बनकर पूरे उत्तर क्षेत्र के सभी प्रदेशों को न्याय मदद करने का काम करेगा। इस संस्थान के छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिहेवियरल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, पुलिस साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों में अपनी तजज्ञता प्राप्त करेंगे। और यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ, मुझे पूरा भरोसा है कि योगी जी के नेतृत्व में ये देश भर के पुलिस आधुनिकीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, आज यहां पर जब मैं आया हूं, तब मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के कानून और व्यवस्था को बल देने का शुरुआत करी है। गृह विभाग में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार की नई शुरुआतें की। वैसे तो कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, मगर केंद्र कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जिससे समग्र देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूती प्रदान हो। जैसे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी,
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर की रचना से आज देश भर में इसके साथ एफिलिएशन प्राप्त कर अनेक कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है 2024 के पहले देश के आधे राज्यों के अंदर फॉरेंसिक साइंस कॉलेज की शुरुआत हो गई होगी। और मित्रों, दो सिद्धि का प्रमाण हमारे देश में बहुत नीचा है। कई देश ऐसे हैं, इजराइल जैसे देश इसको 90% तक ले गए हैं, कई देश ऐसे 80% 70% जो कानून की शिकंजे में आते हैं उनका दोष सिद्ध कर पाते हैं, मगर भारत इसमें पीछे है। इसका मुख्य कारण प्रोफेशनल शिक्षा का अभाव है। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक आधारों पर गुनहगारों को दोष सिद्धि में न्यायपालिका को मदद करेगी। और मुझे विश्वास है इससे सजा दिलाने का डर तो केवल बढ़ेगा ही, जब सजा देंगे और रिपीटेशन नहीं होगा गुनाह का, तब गुनाह का दर भी अपने आप नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी चालू करी, और ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी देश भर में अपने संबंध कॉलेजों को आगे ये कोर्स को बढ़ाने का काम करेगी, जिससे हमें ट्रेन मैन पावर मिलेगा। आज पोलिसिंग जो 20 साल पहले कल्पना थी वहां तक सीमित नहीं रहा। जाली नोट, नार्कोटिक्स, नार्को टेरर, टेररिज्म, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, हथियारों की तस्करी, गौ तस्करी, अनेक प्रकार के अपराध ऐसे आ गए हैं जिनके सामने लड़ने के लिए देश के पुलिस बल को सज्ज करने की जरूरत है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से गृह विभाग ने करी है। और मैं मानता हूं कि इसी के साथ अगर यहां से एक ट्रेन मानव बल प्राप्त होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हर जिले में उत्तर प्रदेश के एक मोबाइल फॉरेंसिक वाहन हम उपलब्ध करा पाएंगे और रीजियोनल एफएसएल के सेंटर भी बना पाएंगे। और उसके बाद 6 साल के ज्यादा जिसमें सजा का प्रावधान है ऐसे हर गुनाह में एफएसएल को कंपलसरी कर दोष सिद्धि का प्रमाण हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं कई बार कहता हूं पुलिस दो ही कारणों से बदनाम होती है, एक नो एक्शन और दूसरा एक्सट्रीम एक्शन। नो एक्शन भी ठीक नहीं है, अकर्मण्यता कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती, और एक्सट्रीम एक्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि वो उसकी प्रतिक्रियाएं निर्माण करता है। तो नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन से निकलकर जस्ट एक्शन की दिशा में, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया की दिशा में पुलिस आगे बढ़े, इसके लिए ये दोनों यूनिवर्सिटियां बहुत बड़ा काम करेगी। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अखबारों को पढ़ता रहता हूं, अनेक प्रकार के इधर उधर के बयान आते हैं, और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसानों को परेशान किया जाता था, ऋण प्राप्त नहीं होता था, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। मोदी जी 6,000 रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं, ऐसी कोई योजना आपको ध्यान में नहीं आई। घर में अंधेरा था, बिजली पहुंचाने का याद नहीं आया। शर्म के मारे महिलाएं शौचालय के बगैर शर्म के मारे परेशानी बैठ रही थी, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लोग घर के बगैर झोंपड़ियों में, कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे थे, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं चूल्हा फूंक कर अंधापे को इनवाइट करती थी, आमंत्रित करती थी, आपको गैस देने की सूद नहीं आई। और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं।
मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जाएंगे। और जो सपना देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया, फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने गंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने रोजगार की कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने सफलता के साथ किसी को टैक्स दिए अनधिकृत टैक्स खंडनी दिए बगैर व्यापार कर पाएंगे ऐसी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की थी। और उत्तर प्रदेश में इतने औद्योगिक निवेश को किसी ने सोचा भी नहीं था। निवेशकों का सम्मेलन भी कानून और व्यवस्था के कारण अखिलेश यादव जी को लखनऊ में करना पड़ा, लखनऊ से बाहर दिल्ली में करना पड़ा। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवर्तन लाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहां कमल की सरकार बनने जा रही है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक जनता को भी कहना चाहता हूं कि किसी के बहकाव में मत आइए। आपके गांव में जो विकास हुआ है इसको एक बार देखिए, शहर में जो विकास हुआ है उसको देखिए, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में जो बदलाव आया है उसको देखिए, दंगे समाप्त हो गए हैं इसको देखिए, जातिवाद समाप्त हो गया है उसको देखिए, परिवारवाद को उखाड़ कर फेंक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको देखिए। और मित्रों, चुनाव नजदीक आएगा तब ये लोग जरूर निकलेंगे। मेरे उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग चहुमुखी विकास जो आया है उसको देखिए और उसका समर्थन करिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ योगी आदित्यनाथ, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का। इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज यहाँ पर जब मैं आया हूँ तब मैं इतनी आशा करता हूँ कि आज ये जो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है वो अपने तय समय में अपनी गतिविधियां चालू करेगा, जो कि यूपी सरकार का कार्य पद्धति है। और यहाँ पर बहुत जल्द बच्चे फॉरेंसिक साइंस के विषय को पढ़कर हमारी कानून और व्यवस्था को मजबूत करने में लगेंगे और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था, देश की कानून और व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान देंगे। मैं बहुत समय के बाद आया हूँ इसलिए फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को, जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर बहुत बहुत आनंद और सुख की अनुभूति होती है। फिर से एक बार सभी को नमस्कार, वंदे मातरम।